तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और आज तक इंसान सिर्फ 3-5% के समुद्र को एक्सप्लोर कर पाया है। यानी अभी भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे ही समुद्र अपने अंदर ढेरों राज छुपाए बैठा है। इंसान समुद्र को आजकल सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाया है, खास तौर से गहरे समुद्र को। यहाँ आपको ऐसे ऐसे डरावने जीव मिल जाएंगे जिनके बारे में पता चलने के बाद आप समुद्र के पास जाने के पहले 100 बार सोचेंगे। यहाँ तक कि कई जीवों के बारे में तो पता लगाने के बाद भी हमारे पास उनके बारे में पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले बेहद अजीब और डरावने जीवों के बारे में। ग्लोसल स्क्विड। आमतौर पर स्क्विड 30 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है और इंसान उसे खाना बहुत पसंद करते हैं, खास तौर पर जापानी। लेकिन जिस स्क्विड की बात अब मैं करने वाला हूँ वो शायद खुद कई इंसानों को आसानी से निगल ले। ग्लोसल स्क्विड एक विशाल गहरे समुद्र में रहने वाला प्राणी है जो 750 किलोग्राम और 15 मीटर यानी लगभग 50 फुट लंबे आकार तक पहुंच सकता है। औसत हाथी लगभग 6.5 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन ये हाथी के आकार से भी 2 गुना होते हैं। ये स्क्विड उन नाविक कहानियों को सच करते मालूम पड़ते हैं जिसमें विशालकाय राक्षसों की तरह बड़े स्क्विड अपने टेंटेकल से पूरे जहाज को पानी के नीचे खींच लेते हैं। वैसे तो ये इतने गहराई में रहते हैं कि शायद ही कभी सतह पर दिखाई देते हैं। हालांकि ग्लोसल स्क्विड कभी कभी ऊपर भी दिखाई देते हैं। न्यूजीलैंड की मछली पकड़ने वाली नाव द्वारा 2007 में पहली बार इस विशालकाय स्क्विड को रिकॉर्ड किया गया। शुरू में इसकी लंबाई 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट मापी गई थी और इसका वजन 450 किलोग्राम 990 पाउंड था। बाद में स्क्विड को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए न्यूजीलैंड ले जाया गया। बाद में नमूनों पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि इसका वास्तविक वजन 495 किलोग्राम यानी कि 1051 पाउंड था। लेकिन टेंटिकल्स के सिकुड़ने के कारण पोस्टमार्टम में इसकी कुल लंबाई कम होकर 4.2 मीटर यानी कि 14 फुट मापी गई। लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास ऐसे विशेष कैमरे पाए जाते हैं जो उन्हें पानी के नीचे कैप्चर कर सकते हैं। मॉन्स्टर बॉबिट वॉर्म। समुद्र के गहरे पानी में रहने वाला ये वॉर्म एक राक्षस के समान खतरनाक शिकारी है। इनकी लंबाई 4 इंच से लेकर 6 फुट तक होती है, लेकिन अब तक का सबसे लंबा बॉबिट वॉर्म 9.81 फुट लंबा था। इतने बड़े शरीर को अब खाना भी अच्छा खासा चाहिए, इसके लिए ये बेहद खौफनाक तरीका अपनाते हैं। ये तल पर बोरिंग करके अपने लंबे शरीर को नीचे गहराई में छुपा लेते हैं और सिर्फ मुंह बाहर रखते हैं, जिसमें एक बियर ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही कोई मछली या दूसरा जीव वहां से गुजरता है, इसके सेंसर से इसे पता चल जाता है और ये झपट कर उसे पकड़ लेता है और अंदर गहराई में खींच कर ले जाता है। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसका शिकार कौन है, चाहे वो कोई आम मछली हो या खतरनाक जहरीला स्टोन फिश या फिर भले ही वो ऑक्टोपस हो। वैसे तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन 2009 में इंग्लैंड के 200 लीटर के एक ब्लू रीफ एक्वेरियम में अचानक से मछलियों की तादाद में कमी आने लगी। तब इसका पता लगाने के लिए कर्मचारी ने उस एक्वेरियम को खोला, तब पता चला कि उसमें 4 फुट लंबा बॉबिट वॉर्म मौजूद था जो अब कई सालों से छुप कर उसमें रह रहा था और धीरे धीरे बड़ा होता गया और साइज बड़ा होने के कारण उसने मछलियों का शिकार भी ज्यादा शुरू कर दिया था। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर वो उस एक्वेरियम में गया कैसे? दरअसल डेकोरेशन के लिए कई बार मिट्टी, पत्थर, शंख और पानी समंदर से लाए जाते हैं। ये जरूर तब मिट्टी या किसी पत्थर में छोटा होने के कारण छिप कर आ गया होगा। ब्लैक स्वेलोवर फिश। स्वेलोवर फिश गहरे समुद्र की एक बेहद ही अजीब और डरावनी मछली है। यह मछली खुद के आकार से बड़ी मछली तक को खाने की काबिलियत रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जीव खुद से बड़ा जीव कैसे खा सकता है? लेकिन यही सच है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने से 10 गुना वजनी और 2 गुनी बड़ी मछली तक को पूरा निकल जाती है। दरअसल ऐसा ये अपने कमाल के पूरा खुलने वाले जबड़े और स्ट्रेचेबल पेट की मदद से करती है, जिसमें इसके नुकीले दांत शिकार को अंदर ठेकने और पकड़ बनाने में मदद करते हैं।
शिकार को निगल जाने के बाद पेट फैलना शुरू होता है, जिससे ये शिकार को उसमें साफ साफ देखा भी जा सकता है। 2007 में ग्रेट कैमन में एक 19 सेंटीमीटर लंबी ब्लैक स्वेलओवर फिश को मरा पाया गया, जिसके पेट में एक मरी मछली थी जो 86 सेंटीमीटर लंबी यानी कि मछली से 4.5 गुना लंबी थी। अब आपको इसके मरने की वजह भी बता देते हैं। दरअसल इस मछली के साथ होता यह है कि यह अपने से बड़ी मछली आदि को निगलने तो लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको पूरा डाइजेस्ट करे, उससे पहले ही शिकार डिकम्पोज होने लगता है, जिसकी वजह से गैसेस निकलती है जो इस 9000 फीट की गहराई में रहने वाली मछली को समुद्र की सतह पर ले आती है, जहाँ इसकी मौत हो जाती है। एशियन शिपशेड ब्रसेस। अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी मछली से जिसके बारे में जानकर आप जरूर दंग होने वाले हैं। इस मछली का चेहरा कुछ कुछ इंसान की तरह दिखता है, इंसानों की तरह उसके होठ हैं और होठों के पीछे छिपे हुए दांत। मेल फिश आकार में फीमेल से काफी बड़े होते हैं, जिनकी लंबाई करीब 3 फुट और वजन 15 किलो तक जा सकता है। लेकिन जब फीमेल फिश की उम्र 10 साल से ज्यादा हो जाती है और एक निश्चित आकार में से आकार रुक जाती है, तब कुछ चौंकाने वाला वाक्य घटता है। तब दरअसल कुछ महीने के समय में फीमेल फिश में से कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल फिश पूरी तरह मेल फिश बन जाती है, जो साइज में बाहर मौजूद मेल से बड़ी होती है जिसके साथ कभी उसे मेंटिंग की थी। तब दोनों मेल में उस एरिया में वर्चस्व की लड़ाई होती है और जो जीतता है वही वहां का फीमेल फिशर्स के साथ आगे मेटिंग करता है। यानी एक शिप हेड फिश के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। पहली बार इस अनोखी ट्रांसफॉर्मेशन को 2017 में जापान के सादो द्वीप में बीबीसी अर्थ क्रू द्वारा कैमरे में कैद किया गया था। वैसे आपको बता दें कि 82 साल के जापानी स्कूबा डाइवर हिरोयुकी आराकिया की दोस्ती एक ऐसे शिप सेट से है। हिरोयुकी और इस मछली की दोस्ती लगभग 30 साल पुरानी है और वो जब चाहते हैं इस मछली से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। यह मछली इतनी समझदार है कि हिरोयुकी के घंटी बजाते ही इसे इनके आने का पता चल जाता है। हिरोयुकी काफी देर तक इसके साथ समय बिताते हैं और उसे किस भी करते हैं। हिरोयुकी के मुताबिक उनकी और इस मछली की मुलाकात तब हुई थी जब ये टोक्यो के अंडर वाटर पार्क में उन्होंने 56 फीट गहरा गोता लगाया था। उन्होंने देखा कि यह मछली एक मुसीबत में थी और अपने खाने तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में हिरोयुकी ने लगातार एक हफ्ते तक पानी में नीचे जाकर उसे केकड़े खिलाना शुरू किया और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। डीप सी ड्रैगन फिश। यह एक गहरे समुद्र में रहने वाली ड्रैगन फिश है जो करीब 250 से 5000 फीट नीचे समुद्र के अंदर रहती है। इसको स्केललेस ड्रैगन फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह काफी क्रूर फिश है। इस फिश के शरीर के मुकाबले इसके दांत काफी बड़े और ट्रांसपेरेंट होते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार इसके पारदर्शी दांत ग्रेट व्हाइट शार्क और पिराना से भी ज्यादा खतरनाक है और मजबूत है, क्योंकि ये नैनो साइज क्रिस्टल से बने हुए हैं। हालांकि इस खतरनाक मछली का साइज काफी छोटा है, इसकी लंबाई महज 15 सेंटीमीटर है। इस मछली के दांत के अलावा दूसरी सबसे खास बात यह है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस एबिलिटी के द्वारा खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। इस फिश के आंख के नीचे 2 स्पॉट होते हैं, जिसमें से एक का कलर लाल होता है, और अब ये अपनी लाइट एबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो एक स्पॉट लाल रंग में चमकता है और दूसरा नीले रंग में, जो देखने में काफी दिलचस्प लगता है। ऐसी लाइट इसे शिकार को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट एक रेयर फुटेज में ये देखकर हैरान रह गए कि ये अपने पूरे शरीर में लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन ऐसा ये शिकारी को डराने के लिए करती है या किसी और मकसद से, इसकी जानकारी मौजूद नहीं है। ज्यादा गहराई में रहने के कारण इनके बारे में अभी भी ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। गार्डन ईल। अधिकांश गार्डन ईल इंडो पैसिफिक में रहते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत के गर्म मार्गों में भी पाई जाती है। यह डरावनी तो नहीं लगती, लेकिन अपने विचित्र व्यवहार से अपनी तरफ ध्यान जरूर खींचती है। इनकी खासियत यह है कि ये ईल समुद्री तल पर छेद बनाकर 100 से लेकर 1000 ईल्स के ग्रुप में वही अंदर रहती है। भूख लगने पर जब यह समुद्री छेद से बाहर आती है तो अपने शरीर का अधिकांश भाग तल में ही छुपा कर रखती है। अंडरग्राउंड बने रहने के लिए ये अपने शरीर से म्यूकस निकालती है, जो इन्हें गोद की तरह या कहे किसी प्लांट की तरह सतह पर जुड़े रखता है। जब ये पानी के बहाव से लहराती है तो देखने से ऐसा लगता है कि मानो गार्डन में घास हवा से हिल रहा हो।
इसलिए इनका नाम गार्डन इल पड़ा है। कई बार तो देखने से ऐसा लगता है मानो सपेरे के धुन पर कई सांप एक साथ झूम रहे हो। अब तक सबसे लंबी गार्डन इल 4 फुट तक की पाई गई है। अलग अलग फिशेस का कलर अलग अलग होता है। इनकी कॉलोनी कई बार एक एक एकड़ तक एरिया में फैल जाती है और ये प्लैंकटन खाकर अपना गुजारा करती है। ये अपना छेद कभी भी नहीं छोड़ती और खतरा होने पर तुरंत अपना मुंह दोबारा नीचे तल में छुपा लेती है, इसलिए इन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। द रेड लाइन फिश। अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी मछली से जिसके बारे में जानकर आप जरूर दंग होने वाले हैं। रेड लाइन फिश अपने जहरीले फिन ब्रीड के लिए प्रसिद्ध है जो दर्दनाक उत्पादन करने में सक्षम है। हालांकि शायद ही कभी घातक पंचर घाव मछलियों में बड़े पेक्टोरल पंख और लंबी पृष्ठ पंख होते हैं और प्रत्येक प्रजाति में बोल्ड जेब्रा जैसी धारियों का एक विशेष पैटर्न होता है। जब परेशान होता है तो मछली अपने पंखों को फैलाएगी और अगर आगे बढ़ी तो वे अपने पृष्ठीय रीढ़ के साथ हमला करेंगी। इनका हमला जानलेवा भी हो सकता है, तो आपको यह मछली दिखे तो पीछे हटने में ही भलाई है। वैसे तो ये इतनी गहराई में रहता है कि शायद ही कभी सतह पर दिखाई देते हैं। हालांकि कॉलोसन स्क्वीड कभी कभी ऊपर भी दिखाई देते हैं। पिराना। अब हम आपको मिलवाएंगे जो खुद से बड़े शिकारी का शिकार करती है। पिराना दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मछलियां है। अक्सर फिल्मों में पूरे आदमी के निधन के रूप में चित्रित किया जाता है। पिराना की कटिंग प्रतिष्ठा है। उनके रेजर तेज दांतों के लिए प्रसिद्ध। पिराना एक काटने बल को लागू कर सकता है जो औसतन 20-30 बार अपने शरीर के वजन का होता है। नतीजतन वे कुछ ही मिनटों में सबसे बड़े जानवरों को भी कुचल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।